अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहर में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, तस्वीर से अंदाज़ा हो गया होगा, बेहतरीन नरम मुलायम गर्मा गर्म मसालेदार बीफ कोफ्ते। इतनी आसान रेसिपी कि हर कोई बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया बीफ का कीमा बगैर हड्डी और उसको मैंने धो लिया, लेकिन अभी भी इसमें पानी है जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालना है। थोड़ा चर्बीला लिया था, ये हरा मसाला है, मैं अपने पास रखती हूँ पीस कर, चटनी बनानी हो चटनी बनाती हूँ। ये बेसन है 3 से 4 टेबलस्पून भुना हुआ और 4 छोटी प्याज है, अगर आपके पास दरमियानी हो तो 2 दरमियानी ले लीजिएगा। चॉपर है। चलिए शुरू करते हैं। बीफ में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं कीमे को सारा पानी इसका निचोड़ के अच्छी तरह बिल्कुल रूखा कर दूंगी और फिर चॉपर में डालूंगी। प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकड़े कर लिए, आपके पास बड़ा चॉपर हो बड़ा लीजिएगा, मेरा बड़ा चॉपर ज़रा ख़राब हुआ हुआ है। और फिर इसको चॉप कर, 4 से 5 बड़े लहसुन के पीसेस, जवे और इतनी बड़ी अदरक मैंने ली है, ये भी मैं कोफ्तों के साथ ही पीसूंगी। ये देखिए कीमा लिया, लहसुन डाला, थोड़ा प्याज, पानी निकाला हुआ बिल्कुल रूखा कीमा बीफ का, थोड़ा भुना हुआ बेसन। बेसन भूनना बहुत आसान है, तवे पे रखिए, 1 से 2 मिनट में खुशबू आने लगे तवा जला के तो उतार लीजिए। और हरा मसाला, अब ये बिल्कुल देखें बिल्कुल बारीक पिस चुका है, मक्खन मलाई जैसा बिल्कुल। इसमें मैंने अपने हिसाब से नमक डाला है, थोड़ा कम ही रखिएगा, बाकी नमक हम ग्रेवी में डालेंगे। मैं यूज़ करती हूँ ज़मीनी नमक यानी पिंक सॉल्ट, उसमें ऐसे लम्स बन जाते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, ये भी घर का है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 अंडा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस कीमे के अंदर हरा मसाला, नमक, मिर्च, अंडा, गरम मसाला, ये देखिए कितना अच्छा बारीक पिसा है और कितनी अच्छी इसकी पिसवाई होने के बाद मैंने सब मिला दिया है, यकजान हो गया है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी अच्छे मजबूत हाथ से, ताकि बीच में कोई जोड़ ना रहे, जोड़ रहेगा तो कोफ्ता खुल जाएगा। अब कोफ्ता सही है या नहीं टिप दे रही हूँ, एक छोटी पतीली में थोड़ा सा पानी लें, गरम करें और कोफ्ता एक छोटा सा बना के डाल दें, पानी उबल जाए कोफ्ता सही रहे तो बिल्कुल सही है, यानी हमारे कोफ्ते बिल्कुल सही हैं, ये सालन में बिखरेंगे नहीं। अब 1 कप मैंने लिया है तेल और 1/2 ली है प्याज, इसको मैंने ब्राउन किया, 1 और टमाटर मैं इसमें डालूंगी। टमाटर सिर्फ मैंने डाल के फ्राई करने हैं, बारीक नहीं करें। 1 टीस्पून नमक या आपके हिसाब से, 2 टीस्पून लाल मिर्च, कम लगे कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा लगे कम कर दीजिए, ये आपके घर के हिसाब से। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, टमाटर अपना पानी खुश करेगी। जब प्याज फ्राई हो रहे थे तो मैंने कोफ्ते बना लिए थे और तकरीबन 1/2 किलो में 32 कोफ्ते बने हैं। अब इस मसाले को तेल समेत मैं ग्राइंडर के जग में डालकर
और पीस लूँगी, और साथ ही इसमें 1 से 1.5 कप पानी भी डाल दूँगी, पीसते में ही डाल दूँगी, कि मैंने तेल समेत ही पीस लिया है। ये देखिए, ये पीस गया गर्मा गर्म। अब इसको मैंने वापस उसी कढ़ाई में निकाल लिया। हमेशा खुले मुंह के बर्तन में कोफ्ते बनाइए ताकि हिलाने में आसानी हो। अब बारी बारी कच्चे कोफ्ते मैं इसमें डालती जाऊंगी। चूंकि हम बॉइल वाटर में इसको चेक कर चुके हैं, ये बिखरेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत एहतियात के साथ डाल दीजिए, और हिलाने के लिए चम्मच नहीं बल्कि या तो क्लैंप का इस्तेमाल कीजिए या किसी कपड़े से पकड़ के पतीली हिलाइए। आप जितना चम्मच इस्तेमाल करेंगे उतना ही कोफ्ते टूटने का डर होता है। बस अब कुछ नहीं करना है, बर्तन का ढक्कन खोल के पकाइए। गाढ़ा हो जाए तो ढक के दम दें और लीजिए, गर्मा गर्म मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप बनाइए, इंशाल्लाह आपके यहाँ भी बहुत अच्छी बनेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और ज़रूर ट्राई करके कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।